गुना से जहां शहर में नशे के विरुद्ध चलाया जा रहा है विशेष अभियान, नशे के खिलाफ बड़ी बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम देकर किया जा रहा है उनका खात्मा। पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के नेतृत्व में नशे के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसे ऑपरेशन शिकंजा नाम दिया गया है। इसी ऑपरेशन के चलते एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है जिसमें राधौगढ़ क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम राजपुरा में दबिश देकर तकरीबन 3 लाख रुपए कीमत की 6,000 लीटर लहान और शराब बनाने के समस्त उपकरण नष्ट किए गए। इस कार्रवाई में हाथ भट्टी की बनी 300 लीटर कच्ची शराब भी बरामद की गई जिसकी कीमत लगभग 50,000 रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई में 3 लोगों के विरुद्ध प्रकरण भी दर्ज किए गए। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि राजपुरा में कंजर समाज के लोगों के द्वारा भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने की सूचनाएं काफी दिनों से प्राप्त हो रही थी जिसे गंभीरता से लेते हुए आज कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में जिले के समस्त थाना प्रभारियों व पुलिस कर्मियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गुना से सोनू श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गुना जिले में ऑपरेशन शिकंजा जो कि नशे के विरुद्ध चलाया जा रहा है, इसके तहत समय समय पर बड़ी कार्रवाइयाँ की जाती रही हैं। अभी राघोगढ़ थाना क्षेत्र के राजपुरा गांव में जहां अवैध देशी शराब बड़े ही देशी तरीके से बनाई जाती है, वहां लगातार पहले भी दबिश दी गई है, काफ़ी नियंत्रित हुआ है। वहां पर लोगों ने दारू बनाना, शराब बनाना छोड़ा है, दूसरे व्यवसाय को अपनाया है, परंतु फिर भी अभी कुछ बहुतायत संख्या में लोग वहाँ दारू शराब का व्यवसाय, अवैध शराब का कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज एक बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुँचा वहाँ SDOP राघोगढ़ के नेतृत्व में, और वहाँ पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान गांव के आउटर में वहाँ पर शराब बनती हुई पाई गई जो कि बिल्कुल ताज़ी बन रही थी। इसके अलावा बनी हुई रखी हुई थी, लहान पाया गया, 6,000 लीटर लहान वहाँ पाया गया, 300 लीटर दारू पाई गई, शराब पाई गई जो कि अवैध शराब थी, इसको जब्त किया गया है, लहान को नष्ट किया गया है। पुलिस और एक्साइज की टीम संयुक्त थी और वहाँ पर एक कार्रवाई करते हुए 3 बड़े प्रकरण बनाए गए हैं जो कि आरोपी मौके से फरार हुए। वहाँ जो भी इस तरह का अवैध सामान था उसको जब्त किया गया है, बाकी सबको आगामी गिरफ्तार करके कार्रवाई की जा रही है। इस तरह से एक बड़ी संख्या में वहाँ कार्रवाई हुई है। धीरे धीरे हमारा प्रयास है कि ये गांव और इस तरह के बाकी गांव जो हैं वो शराब बनाने के कार्य से मुक्त हों और दूसरे किसी कार्य में लगें जिसमें कि पुलिस और प्रशासन उनके लिए मदद कर रहा है, उनका स्वागत कर रहा है। इस दिशा में धीरे धीरे हम जा रहे हैं। इस गांव में भी लगभग अब मात्र 40% लोग ही हैं जो ऐसा कार्य कर रहे हैं, जो आने वाले समय में मुझे लगता है, हमारी उम्मीद है कि वे भी एक समाज की मुख्यधारा में अपराध छोड़ के सम्मिलित होंगे। बड़ी कार्रवाई में सभी अधिकारी कर्मचारियों ने अच्छा कार्य किया है, उन्हें पृथक से पुरस्कृत किया जा रहा है।